देखेजे गेमर हे तो, hey कैसा हो यार आप लोग आ को एक गेम प्ले वीडियो के साथ और आज मैं आपको अगेन दो गेम प्ले दिखाने वाला हूँ और दोनों ही सोलो वर्सेस कॉल्ड है मतलब ढेर साई तबाही होने वाली है सोलो वर्सेस कॉल्ड तबाही ना हो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता फिलहाल सामने बंदे देखते हैं उनको अब यहाँ पे बस ये तीन ही बंदे आए होते तो तीनों को नॉक कर देते हैं वैसे लास्ट वाला बंदा वी एस एस मारा था यार मतलब मरते मसते बचाऊ अब जो भी हो यहाँ पे भाई दो को तो फिनिश कर दिया था लास्ट का इसका एक बंदा पता नहीं कहाँ को जाकर छिप चुका है बट यार खोज के मारते हैं उसको लेकिन उसके पहले थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह लगा लेते हैं यार ये जो पापी चिड़िया वो रही है ना ये भाई दिक्कत कर देगी वैसे अगर आधी हेल्थ में गया तो और वैसे ये ना वो नॉक वाले बंदे को मार रही है तो सबसे पहले यार हील वगैरह लगाते हैं और फिर इस पापी चिड़िया को भी मारेंगे लेकिन उसके पहले नॉक का पहले किल सिक्योर करते हैं कहीं भाई किल चोरी ना हो जाए और वैसे पता है भाई एक बार मैंने वो कुत्ते वाली जगह पे गया था जहाँ पे भाई क्या बताऊँ वो कुत्ता साला मार देता है वो राक्षस का जैसा कुत्ता है ना बस वही मार देता था और किल भी नहीं मिलता था तो थोड़ा सिक्योर करके यहाँ से भाई निकलते हैं अब यहाँ से निकल रहा हो तो लेकिन अचानक मुझे एक बॉट दिखता है मैं बॉट को फिनिश करता हूँ जैसे इस बॉट को फिनिश करता हूँ पीछे के साइड से फ़ायद हुई थी तो इसका मतलब पीछे कोई बंदा है और वो ऑटो में फ़ायद हुई थी तो भैया रियल ही होगा तो जाते हैं उसके पास भाई साहब ये बंदा यहीं पे मतलब खड़ा होकर टी पी पी ले रहा था ये तो कहो एम मेरा अच्छा था नहीं तो भाई बम्बू कर देता फ़िलहाल उसको फिनिश करने के बाद मैं अपार्टमेंट आता हूँ चेक करने बंदे को और लकीली यहाँ पे मुझे बग्गी दिखती है और साथ ही साथ फुट स्टेप भी आती है तो देखो कैसे निपटाते हैं और ये बंदा भी भाई वैसे कैंप आ था तुम जा तुम देखो क्या आई क्यू लगा के कैंप कर रहा है ये बंदा बस पता है यही वाले कैंपर को देख के ना मेरे को अंदर से गाली आती है लेकिन भाई मैं वीडियो में गाली नहीं दे सकता क्योंकि यार बच्चे भी वीडियो देखते हैं और उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा फिलहाल यार वहाँ से निकल के मैं आता हूँ पुछेंगी देखने के लिए बंदों को और तभी मेरे पे फायर होता है चर्च के तरफ से और ये वैसे चार बंदे हैं और चारों ओपन से रश कर रहे हैं मेरे पे तुम देखो यार अब यहाँ पे मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया था दो और बच रहे होते हैं जो कि भाई मुझे दिख नहीं रहे थे तो उसका मतलब वो कहीं पे जाकर होल्ड कर रहे हैं और मैं भाई उनके सामने तो बिल्कुल जाने नहीं वाला क्योंकि भाई वो होल्ड करेंगे मैं जाऊँगा इनको मारने के लिए और वो मेरे को मार देंगे तो ऐसा तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा भाई उनके महंगे सपने को यहाँ पर मैं चूर चूर कर देता हूँ अब इसको यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ पीछे से गंदे तरीके से पॉपटी है तो कवर में जाते हैं हील लगाते हैं और फिर देखते हैं इस बंदे को अब नीचे मुझे कॉमेंट में तुम लोग ये बताओ कि भाई ये बंदे को मैंने एटीएम से इतना डैमेज दिया बट वो फिर भी जाके नॉक नहीं होता है तो इसके पीछे का रीजन क्या था okay. अब बात यहाँ पे मुझे अच्छे से मालूम थी कि जो बंदा क्लोज इन कर गया है उसको तो मैं मार नहीं पाऊंगा लेकिन हाँ जो बंदा पीछे से आने वाला है मैं उसको नॉक कर सकता हूं एग्जैक्ट मैंने वैसा ही किया फिलहाल बंदा नीचे से आ रहा है थोड़ा देखते हैं उसको और यहां पे मेरे साथ थोड़ा सा स्कैम होने वाला है अब यहां पे तो मैं मर जाता हूं लेकिन जब मैं दोबारा रिकॉल होकर आता हूं सामने से मुझे एक यूएस आती दिखती है उसमें दो बंदे होते हैं यहाँ पे ये सर्वाइव के लिए एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है फिलहाल जिस बंदे को मैंने पीछे नॉक किया होता है उसका किल चोरी हो जाता है और जिस बंदे ने किल चोरी किया था थोड़ा देखते हैं उसको और वो धीरे धीरे करके अपने सारे टीममेट को यहाँ पे बुला लेता है अब इस बंदे का ऊपर मैं जैसा नॉक करता हूँ यहाँ पे एक ऑल स्क्वाड आ जाती है और उन दोनों स्कॉल्ड की फाइट हो जाती है यहाँ पे तो यहाँ पीछे में जाकर मैं थर्ड पार्टी करने जाता हूँ यहाँ पे यूसी रिलोड नहीं थी और यहां पे मैं खत्म हो जाता हूँ फिलहाल ये दूसरा गेम प्ले है इसके मजे लो तुम तो अब यहां मुझे जैसे गन मिलती है, मैं सीधा रश कर देता हूँ ये वाली बिल्डिंग में और जैसे ये वाली बिल्डिंग में एंटर करता हूं ऐसी आवाज आती है कि ऊपर कुछ बंदे आए हैं और पैर खुलने की वजह से आवाज आई थी तो शायद से ये वही बंदे हैं तो देखते हैं उनको यार फिलहाल मैं ऊपर जाकर रश कर देता हूं और मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कैंपस से मरूंगा वो भी साफ बना रहेगा फिलहाल तो मैं रिकॉल होकर आता हूं और सामने मुझे घर के ऊपर एक बंदा दिखता है तो देखो कैसे निपटाते हैं इसको अब ये भाई यहाँ पे अकेला होता है तो उसको निपटाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती फिलहाल इसके टीममेट को के वहाँ मैं खोज रहा हूँ तो कोई नहीं मिलता और भाई को यहाँ से जैसे मैं फिनिश करके निकलता हूँ और बंदों को हंट करने के लिए मुझे याद आता है भाई टेम्पल के आसपास मेरे को बंदे दिखेंगे और यहाँ पर मैं आता हूँ सामने बंदे अब यहाँ से फायदा ही थी आया मैं चेक करने के लिए और सामने मुझे बग्घी दिखी और एक बंदा दिखा लेकिन जो बंदा था वो बग्घी लेकर भाग लेता है तो जो नॉक वाले बंदे बचे हुए हैं ना भाई उनको फिनिश करते हैं और जाके देखते हैं कहीं बग्गी वाला दिख जाए तो थोड़ा जाके पेल दे उसको और लकीली बग्घी यहाँ पर मुझे दिख जाती है और साथ ही साथ मुझे बंदा दिख जाता है और जोन आ रहा है जो कि बहुत गलत डैमेज देने वाला है तो जल्दी से मारते हैं उसको और फिर जोन भागते हैं बंदा यहाँ पे साफ़ बना होता है लेकिन भाई को यहाँ पे फिनिश कर दिया था और जल्दी से लूट के यहाँ से जोन भगते हैं क्योंकि भाई देखो बहुत गलत डैमेज देने वाला है ये जोन लेकिन अचानक सामने से फायर होता है तो मैं बग्गी सीधा उधर घुमा लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक बंदे को स्पॉट कर लिया है जो कि भाई झाड़ियों में कहीं खो गया है तो स्पॉट करते हैं उसको और फिनिश करते हैं उसको फिर निकलते हैं यहाँ से अब यार मुझे बंदा जैसे दिखता है उसको मैं नॉक कर देता हूँ लगे आता हाँ तो फिनिश भी कर देता हूँ थोड़ा लूटता हूँ और फिर यहाँ से जोन भगता हूँ क्योंकि देखो यार ये जोन ना बहुत गलत डैमेज देने वाला है और जहाँ जाना है मेरे को ना सेफ जोन बहुत दूर है यहाँ से अब यहाँ से मैं निकल के जा रहा होता हूँ थोड़ा अपार्टमेंट वगैरह चेक करने लेकिन इतने में रिकॉलिंग के पास से फायर हो जाता है तो इसका मतलब रिकॉलिंग में कुछ बंदे हैं तो निपटाते हैं उनको जाके अब इस बंदे को बाद मैं जैसे फिनिश करता हूँ यहाँ पर से मुझे ऐसी आवाज़ आती है कोई बंदा फर्स्ट एड लगा रहा है तो आकर मैं चेक करता हूँ लेकिन भाई बंदा दिखता नहीं है तो एकदम से याद आता है कि मैंने किसी को मॉली से नॉक किया था तो भाई बंदा कहाँ होगा तो जाके देखते हैं उसको भाई थोड़ा सा बैंडेज बचा है कितना बैंडेज लगाओ जाओ लॉबी जाओ नया गेम स्टार्ट करो फिलहाल इस भाई को पे पे मैं जैसे फिनिश करता हूं, यहां पे कोई अपनी बसता तो आराम से करके यहां से मैं जाता पोचंकी वगैरह चेक करने लेकिन अचानक थोड़ा तुम देखो जोन के बाहर से मतलब एक गाड़ी आ रही है अब नीचे कॉमन में जाकर मुझे ये बताओ कि ये गाड़ी वाला बंदा ब्लू जोन के अंदर क्यों घूम रहा है कहाँ जा रहा है फिलहाल सामने मुझे एक ऑफलाइन बंदा स्पॉट हुआ है माफ कर दे भाई भाई मुझे लग रहा था ये बंदा ऑफलाइन होगा लेकिन एकदम से इसके अंदर जान आती है और सीधा मेरे पे रश कर देता है तो थोड़ा देखते हैं इसको भी अब इस बंदे को अब मैं जैसे फिनिश करता हूं मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए बंदा मे से कुछ बोल रहा होता है भाई बहुत लो भाई मैं तो बिल्कुल लो नहीं था यार झूठ बोलते हो तो मैं ल इस बंद को यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ पीछे से बग्गी एक बग्गी आ जाती थी मुझे मैं बग्गी वाले को चेक करता हूँ बट बग्गी मुझे दिखती नहीं है तो यहाँ से मैं निकल कर सीधा पचंकी आता हूँ और रिकॉलिंग के पास से मुझे दो स्क्वाड दिखती जिनकी फाइट हो रही थी तो थोड़ा सा ट्राई करता हूँ भाई किल वगैरह निकालने का अब यहाँ पे देखते देखते एक और स्क्वाड कहीं से आ जाती है तो कुल मिला के टूल डेल वहाँ पर तीन स्क्वाड हो जाती है और अगर मैं बीच में गया वहाँ पे तो भाई तीनों स्क्वाड के बीच में मेरा चेक नहीं बनना तय है तो थोड़ा पीछे से यार स्नाइपर है अपने पास में और है अपने पास में तो यार ट्राई करते काक का नॉक करके किल वगैरह सिक्योर करने का अब भाई सही बता रहा है यहां पे मैं बहुत देर तक था लेकिन उसके बाद यहां से मैं निकल कर आ जाता हूं जोन में क्योंकि देखो यार तीन स्क्वाड है अगर एक स्क्वाड भी बचेगी तो वो उसको जोन में आना होगा जो कि यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे थोड़ा मेरा किस्मत देखो क्या दिक्कत होती है भाई एकदम से भाई पिंक थोड़ा फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे और वैसे दिखा रहा है तुमको सिक्सटी फोर का पिंक है लेकिन भाई इसका भरोसा मत करो दिखाता कुछ है होता कुछ और है बस तुम यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे क्या सीन होता है हेड शॉर्ट हमारा हो लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ भाई क्या बोल सकते हैं इस बारे में फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना था वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं उम्र तो पर जाकर सब्सक्राइब कर देना शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में मैं मिलता तो हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में टिल देन बाय बाय और गाइस आज का लाइक है मैं अगेन एक लाइक का तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवा ही दोगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट